वेलकम स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया और अब क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.1 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क रखा था, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें अगर इसके रिलेटेड क्वेश्चन 5 के रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो वो आप वहां पर मुझे पूछ सकते हो। सीधा हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। Question number six. We have to find integral of 4 e raised power 3x plus 1 dx. तो किस तरह ढूंढे? ये दो पार्ट हैं। एक है 4 integral of e raised power 3x plus integral of 1 dx. जहां तक इस फंक्शन का सवाल है, फार्मूला आपने मैंने आपको बताई थी पढ़ने के लिए, e रेज पावर 1x dx वो होता है बराबर e रेज पावर x डिवाइड बाय 1x डिवाइड बाय 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला यहां पर यूज कर लिए, तो ये आएगा 4 e रेज पावर 3x डिवाइड बाय 3 इसके जैसे प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx किसके बराबर होता है x, और प्लस c जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फंक्शन क्या है? इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर, ये मान लो आप डेरिवेटिव है इसका, हमने एंटी डेरिवेटिव ढूंढना है। अगर हम इंस्पेक्शन मेथड की बात करें, जनरली ये हमें ढूंढना है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला दी गई है। अब ये देखो, ये एक्स स्क्वायर इधर भी जाएगा, इधर की जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है, ये एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर dx, यहां पर भी ये dx है। अब इसको देखिए, ये एक्स स्क्वायर dx है, ये x square dx आता है x raised power 2 plus 1 divided by 2 plus 1। अब ये दोनों जाएंगे, कसर कट हो जाएगी, अब देखो ये क्या बनेगा, minus 1 dx। हाँ, तो ये आएगा x raised power 3 divided by 3 minus integral of 1 dx x c is constant of integration। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, वो आप खुद कर लोगे, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा मैं। इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देखो इसको तो a बाहर निकाल के x रेज पावर क्यूब डिवाइडेड क्यूब 2 प्लस 1, क्योंकि हमने पता है ना x रेज पावर n, अगर इसका इंटीग्रल ढूंढना है तो मैंने बताया था ना 290 पे, देखिए x रेज पावर n dx पेज नंबर 290, तो वो होता है x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, यहां n 2 था। सिमिलरली यहां के लिए x रेज a x रेज पावर क्यूब डिवाइड बाय क्यूब b x रेज पावर 1 प्लस 1 x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c, ये तो वेरिएबल नहीं है वहां पर, दैट मींस इसका जीरो आएगा, प्लस c बड़ा अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ex ब्रैकेट क्लोज dx, इसका इंटीग्रल कैसे ढूंढेंगे? जाहिर सी बात है, ये 2x स्क्वायर dx आ गया हमारा प्लस इंटीग्रल ऑफ e रेज पावर x dx, फिर वही बात, अब इसका x रेज पावर 2 प्लस 1 फॉर्मूला यूज करेंगे, x raised power 2 plus 1, जिस तरह यहां पर x raised power n, यहां देखिए n 2 है, यहां था 2, यहां भी 2 था, divided by 2 plus 1 plus integration of 1 dx, ये formula, e raised power x 1x divided by 1, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 denominator हो तो लिख भी नहीं सकते, कोई tension नहीं, बस c constant of integration। तो ये आ गया हमारा 2 over 3 x raised power 2
टू प्लस वन हो गया थ्री प्लस ई रेज पावर एक्स प्लस सी। ये हमारे तीन क्वेश्चन आ गए, ये जो है अपने होमवर्क है। अच्छा इसका एक अच्छे से स्निपशॉट उठाइए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटेग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस वन ओवर रूट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। देखो ये चीज पहले हम इसका देखेंगे, ये रूट एक्स माइनस वन ओवर रूट एक्स ये किसके बराबर है, इसका स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप पढ़ चुके होंगे ए स्क्वायर, हाँ माइनस टू ए इंटू बी, और फिर आता है प्लस बी स्क्वायर वन ओवर रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे ये आएगा यहाँ स्क्वायर रूट कैंसल्स, ये दोनों जाएंगे x माइनस टू प्लस, ये दोनों भी जाएंगे, ये और ये जाएगा वन स्क्वायर इज इक्वल वन। ये फंक्शन जो है ये टर्म जो है इसके बराबर आती है एक्सपेंड करके, तो फिर इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस वन ओवर रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस टू प्लस वन ओवर एक्स डी एक्स। तो ये किसके बराबर आ गया, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स माइनस टू इंटू इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ वन ओवर एक्स डी एक्स। अब इसको कैरी ऑन करेंगे, कैरी ऑन में क्या मिलता है, ये अल्जेब्रिक फार्मूला लगानी है इसको, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स हो गया एक्स रेज़ पावर एन प्लस वन, उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो फिर देखो एक्स रेज़ पावर एन प्लस वन, एन क्या नंबर, वन वन प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस वन है कि ना, माइनस टू इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स हो गया टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स का क्या इंटीग्रल है, शाबाश। अब पीछे 291 पे देखो, इंटीग्रल ऑफ वन ओवर एक्स डी एक्स डी लॉग ऑफ एक्स के बराबर होता है, तो फिर देखो टू एक्स माइनस ये प्लस आ गया हमारा लॉग ऑफ एक्स प्लस, इसको लिखेंगे सी, सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये आ गया एक्स रेज पावर टू डिवाइड बाई टू माइनस 2x प्लस log of x प्लस c, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत आसान है, फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट इसमें देता हूं, इंटीग्रल ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डॉट x स्क्वायर dx। देखो ये टर्म तीनों के लिए डिनोमिनेटर है, तो ये बनेगी x क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे बनता है ये, देखो ये ए रेज पावर एम डिवाइड बाय ए रेज पावर एन, नाइन्थ का एक्सपोनेंट है एन माइनस वन, ये दो है यहां पर एक एक्स रहेगा, थ्री माइनस टू, हाँ फिर ये दोनों जाएंगे टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स रेज पावर जीरो इज इक्वल टू वन है कि ना, माइनस फाइव और ये माइनस फोर इंटू एक्स रेज पावर टू है ऊपर जाएगा बनेगा माइनस टू। इसका इंटीग्रल ढूंढना है, ये आ गया हमारा ये टर्म थ्री माइनस टू वन होता है, इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस फाइव माइनस फोर एक्स रेज पावर माइनस टू डी एक्स ये ढूंढना है, तो ये आएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फाइव इंटू वन वन डी एक्स माइनस फोर, बाहर निकालेंगे एक्स रेज पावर माइनस टू डी एक्स, एक्स रेज पावर एन प्लस वन डिवाइड एन प्लस वन, एन यहां पर वन है, एक्स रेज पावर वन प्लस वन डिवाइड वन प्लस वन माइनस फाइव इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स किसके बराबर होता है एक्स के, तो फिर माइनस फोर एक्स रेज पावर माइनस टू प्लस वन, एक्स रेज पावर माइनस टू प्लस वन क्योंकि एक्स एन क्या है माइनस टू डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस
ये देखो 5x, ये माइनस 4 यहां पर इसको मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ ताल्लुक रखता है, माइनस माइनस हो गया प्लस 4, x रेज पावर 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1, डिवाइड बाय 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1, माइनस माइनस इधर प्लस आ गया, तो इसका इंटीग्रल फाइनली हमें क्या मिलता है माइनस 5x प्लस 4 ओवर x या 4x, ये इसका इंटीग्रल आ गया। मैंने आपको बहुत गहराई से दिखाया ताकि आपको 9th 8th का वो थोड़ा समराइज हो जाए, इसका अच्छे से स्नैपशॉट लीजिए। आज की लेसन यहीं पर कंप्लीट होती है, अल्लाह हाफिज़।